भरत चोली मेरी या मोहम्मद लौट कर। सूरत आपको तो पता ही होगा, ये अपने घर देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, देख सकते हैं यहाँ पर। और बहुत थक गए हम लोग, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो बजरंगी भाजन वाला जो सीन है ना, उसको यहाँ पर शूट किया गया था। ये देखो दिख रहा, और इधर साइड से भी देखो, ये पूरा दोनों तरफ रहता है, ये इंडिया ये पाकिस्तान, बस इतना ही भीड़ रहता। खाली इधर लोग सिर्फ इधर उधर से निकलते, पाली वाला दिखाता, देखो पूरा एडिट रहता खाली, लेकिन कुछ वो लोग प्लेस बहुत मस्त है। और गाइस यहाँ पर देखो अभी हम लोग आए हैं, और यहाँ पर देखो ये ड्रेस है, ये ड्रेस मैं अभी एक पहनने वाला हूँ और फोटो लेने वाला हूँ। अभी देखो आप मेरे को बताओ कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा लगता है, कैसा नहीं, कमेंट करना और जरूर बताना कि मैं कश्मीरी टाइप में कैसा लगता हूँ, ठीक है। और गाइस यहाँ पर फोटो लेने तैयार हो गया, यहाँ पर देखो अभी मैं और रंग बरसे चुनरी वाली अभी राजा खान कर रहे हैं तैयारी हुक्का पीने की। अरे तो रुको, अरे अरे रुको। और गाइस फाइनली हम लोग आ गए दरगाह पे, दूसरी दरगाह है कश्मीर का ये, और ये दरगाह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। देखो बहुत ही खूबसूरत दरगाह यहाँ पर, देखो आप अच्छे से। और अभी अंदर भी आने वाले हैं, तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पे भी नो कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम लोग थोड़ा इधर उधर आपको एरिया बताएंगे। देखो और यहाँ तो क्या बोलते हैं पब्लिक, आज के कश्मीर में हमारा दूसरा दिन और बच चुके हैं 9:30, और हमको जाना है अभी दरगाह। दरगाह जाना है बोले तो अभी हम लोग को बहुत कल हम लोग जहाँ पे, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पता चलेगा कश्मीर में हम लोग कौन सी जगह रुके थे, कहाँ घूमे थे और कहाँ नहीं घूमे थे। तो हम लोग कल जो घूमे थे ना भाई, क्या जगह थी, और आज भी जो है ना वो जगह बहुत प्यारी है। पहले तो हम लोग बर्फीले जगह जाने वाले, फिर जाने वाले हम लोग दरगाह। दरगाह है देखो कौन सी, बजरंगी भाजन में जो दरगाह है, हम लोग बजरंगी भाजन वाली दरगाह जाने वाले। कल आप लोग पाकिस्तान बॉर्डर देखे थे, वो पाकिस्तान बॉर्डर पे बहुत स्नो गिरी है, अभी वहाँ का रास्ता बंद हो चुका है, दूसरे रास्ते से हम लोग जाने वाले। तो आप लोग राजा खान ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, पाकिस्तान का बॉर्डर आज तक कोई नहीं बता, सिर्फ और सिर्फ आपको केवल और केवल नागपुर में राजा खान बताए सो है। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको व्यू बताता हूँ कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और यहाँ से व्यू देखो भाई, कितना प्यारा दिख रहा है। हम लोग जो जगह पर रुके ना, यहाँ पे देखो बहुत ही प्यारा जगह है, और पूरा आजा बजा जगह है, देख लो पूरा का पूरा मालूम है क्या, बहुत प्यारा जगह है। और मैं बता दूं आपको कि हम लोग अभी जाने वाले बाहर, बाहर जाके अभी हम लोग देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। तो गाइस आज का हमारा दूसरा दिन है, दूसरे दिन हम लोग निकले बाहर। देखो कितना प्यारा मौसम है, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा बहुत प्यारा मौसम है। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं, अभी निकल रही है हमारी गाड़ी है, यहाँ पर ऐसी गाड़ी मिलती है, तो हम गाड़ी में बैठेंगे और निकलेंगे और डायरेक्ट जाके आपको मिलेंगे रास्ते में। और यहाँ का मौसम देखो, अभी धूप निकला है इधर साइड में, और फाइनली हम लोग आ गए दरगाह पे, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि हम लोग आप दरगाह आने वाले। तो दरगाह देखो पहले नीचे का सीन देख लो आप लोग यहाँ पे, और दरगाह देखो वो ऊपर है, देख लो यहाँ पर ऊपर ये है बजरंगी भाजन वाला दरगाह, जो पिक्चर में जो बताया गया ना दरगाह, वही दरगाह अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं और जियारत वियारत करके नीचे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लो पहले यहाँ का सीन पीछे का कैसा है, और मेरे को बहुत ठंडी लग रही थी, अभी धूप निकली तो अच्छी है। यहाँ से देख लो पूरा किस तरीके से बना हुआ है यहाँ पर। और हमारे राजा भाई चलते हैं, राजा भाई टोपी तो लगा लो ब्रो, टोपी दरगाह जा रहे हैं, टोपी लगा लो, तुम लगाओ ना, मैं तो लगा के छू, देखो बंदर वाली टोपी लगा, देखो मेरे सर पर लगी हुई है सर, ये भाई को बोल रहा तो सुन रहे नहीं, तुम लगाओ बोलते, मैं कुछ सुना दे यहाँ पे अबू भाई, झूठ बोला तुमको। अभी हम लोग पहले दरगाह बताने गए, तो दरगाह बताएंगे। और यहाँ पर ऊपर कम से कम 500 सीढ़ी है शायद, देखो सीढ़ा देखो, और सीढ़ी ऊपर जा रही है, थक गया मैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं। और गाइस कम से कम 500 सीढ़ी है, थक गए हम लोग, और ज़्यादा 500 से ज़्यादा अबू मैंने 500 से ज़्यादा है, और वो देखो वो बैठ गए उधर, हम तो हार नहीं माने। और घर देखो बहुत प्यारे घर यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ खाने का आइटम है, बाकी देखते बाकी, ओके ऊपर जाएंगे, देखो ऊपर जाके आएंगे, और भाई देखो उधर भागते भागते 500 के ऊपर सीढ़ी चढ़ चुके हम लोग, और फाइनली यहाँ पर दरगाह देखने को मिल रहा है। 80 सीढ़ी और 80 सीढ़ी है बोलते भैया, और यहाँ से चलने और हैदराबाद में नागपुर से, नागपुर हाँ
अच्छा लगा अभी ऊपर दरबार जाके देखते हैं गाइस। और यहाँ पे बोला जाता है कि मांगने वाले की दुआ कभी खाली नहीं जाती। देखते हैं क्या अंकल, अस्सलाम वालेकुम, पर चलते हैं। और फाइनली गाइस हम लोग आ गए दरगाह में, जो देख सकते हैं आप लोग ऊपर थी गाइस, ये बहुत ही ऊपर थी गाइस, ये इतने ऊपर आ गए हम लोग समझो, पहाड़ी के ऊपर आ गए समझो, लगभग पहाड़ी तक के आ गए हम लोग। और ये बच्चों को देखो बहुत ही क्यूट है, और ये क्रिकेट खेल रहा था नीचे, अभी आपने देखे थे इसको, देखो यहाँ पे देखेंगे हम लोग लाटा है, ऊपर देखेंगे दरगाह जाएंगे। काफी ऊपर था देख लेंगे गाइस, ये देखो गाइस कितने ऊपर आए हम लोग नीचे से, कोई नीचे का मंजर दिख रहा होगा, देखो नीचे का मंजर दिख रहा है कितने ऊपर आ गए देखो। जो आता है सोचा है। और फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं दरगाह में, देखो यहाँ पर कवाली होती है और यहाँ पर देखो जो सूट होता है, आपको तो पता ही होगा, ये आपने अगर देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, देख सकते हैं यहाँ पर। और बहुत थक गए हम लोग, बहुत प्यारा लग रहा है गाइस यहाँ से देखो, और मैं कुछ इधर से भी बताऊंगा आपको, देखो देखो कितना ऊपर है हम लोग, कितने नीचे से ऊपर आए, देखो रोड कहाँ पर है देखो, और हम लोग कहाँ पर, देखो पिक्चर में जो है ना वो सीधे से भागते भागते हैं वो, और कवाली जो है यहाँ चलती रहती है, यहाँ पर चलती रहती है, देख सकते हैं आप। और एक बात बोलते हैं कि यहाँ से जो भी दुआ मांगता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता है गाइस, ठीक है। तो अगर आपको भी, आप अगर सलाम दुआ करना चाहते हो तो अब मैं आपको बता रहा हूँ आप कर सकते हो, आपको सबके, आप जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हो सबकी तरफ से मैं वाजा पे सलाम करता हूँ, और आपकी जो भी मन्नत है मैं बोलता हूँ उनको पूरी करें। तो गाइस चलते आगे और वजू वजू बना के अंदर जाते गए, तो अंदर अलाउ नहीं था कैमरा, अभी हम लोग बाहर से ले रहे गाइस, यहाँ पर देख सकते हो आप बाहर से किस तरीके से, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है ना, फोटो अलाउ है, तो मैं अंदर नहीं बता सका आपको, लेकिन यहाँ से बता देता हूँ। देखो गाइस ये नीचे की दुकान है और एक ऊपर का दुकान है, ठीक है, नीचे ऊपर दोनों है, और यहाँ पर देखो ऐसा है कुछ है, वो सा भी बहुत सारा यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर की दरगाह की तरफ जाएंगे अभी, देखेंगे घर से भी, पर भी एक दरगाह है जहाँ पर मैं आपको यहीं से बता सकता हूँ, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है गाइस, ठीक है। और गाइस यहाँ पर हो चुका है हमारा दरबार का ज़ियारत हो चुकी है, और हमने फोटो वीडियो सब ले लिए, यहाँ पर फोटो वीडियो लेना माना था, फिर भी हमने कसम कसम हंड्रेड करके ले लिए, और चल रहे अभी देखो बाहर, बाहर जाके सूफ पहनेंगे, सूफ पहन के डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकलेंगे गाइस, निकलने के बाद उसके बाद उधर जाएंगे। बजरंगी भाजन वाला जो सीन है ना, उसको यहाँ पर शूट किया गया था, ये देखो दिख रहा, और इधर साइड से भी देखो, ये पूरा दोनों तरफ रहता है, ये इंडिया ये पाकिस्तान, बस इतना ही भीड़ रहता, खाली इधर लोग है सिर्फ, इधर उधर से निकलते पाली वाला दिखाता, देखो पूरा एडिट रहता खाली, लेकिन कुछ वो लोग प्लेस बहुत मस्त है। और गाइस अभी हम लोग गाइस यार हम लोग अभी काफ़ी दूर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का मिलिट्री कैंप है, और यहाँ पर हमारी चेकिंग हुई, अभी चेकिंग होके हम लोग आगे जाएंगे, और आगे जाके दरगाह एक बार दरगाह में ज़ियारत कर लेंगे, उधर भी लेंगे। और अभी हम थोड़े आगे आए, और आगे में देखो ये जूम करके गार्डन है एक, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, देखो हम आगे आके ये गार्डन है, गार्डन के अंदर जाएंगे, गार्डन भी देखेंगे यहाँ का, और यहाँ पर भाई लोग अभी उतर गए, यहाँ पर कुछ सामान मिल रहा है, एंटी कैंटिंग देखेंगे, कुछ मिला तो ले लेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन जाएंगे, और यहाँ पर फोटोग्राफर है, ऊपर गार्डन है, गार्डन नहीं छोड़ना, देखो ये गार्डन है, ऊपर गार्डन में चलते ऊपर देखते हैं। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे टिकट ले लिया हम लोग ने, टिकट दे दे, ये लेज कितने पॉकेट है आपके पास, लेज दो और 20 रुपए रखो फिर वापस लेना है, ये कवर बाहर लाने, ये रखो टिकट विकेट लेके हो गया हमारा। और ये गार्डन देखो, ये गार्डन कैसा है, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है, और यहाँ पर देखो अतिक भाई हमारे आते हुए बाहर ही है, देखो जो चलते हैं और देखते हैं ऊपर। और देखो ये है गार्डन,
इधर चलो इधर इधर जाएंगे ऊपर ऊपर भूविया फेंकते। यह गार्डन है हम लोग जा रहे हैं। मैं कैसा दिख रहा हूँ गाइस? अच्छा दिख रहा हूँ ना भूविया? जबरदस्त दिख भाई। नॉट नाइस। ये क्या है? नॉट नाइस बोल दे रहा भाई। देखो अब क्या बोलूँ भाई को मैं। और गाइस यहाँ पर देखो अभी हम लोग आए हैं और यहाँ पर देखो ये ड्रेस है। ये ड्रेस मैं अभी एक पहनने वाला हूँ और फोटो लेने वाला हूँ। अभी देखो आप मेरे को बताओ कि मैं कैसा दिखने वाला हूँ, कैसा लगता है, कैसा नहीं, कमेंट करना और जरूर बताना कि मैं कश्मीरी टाइप में कैसा लगता हूँ, ठीक है। और जब हमारे यहाँ पे खड़े हुए और मैं जैकेट उतारते और गाइस यहाँ पर फोटो लेने की तैयारी हो गई। यहाँ पर देखो अभी भाई और रंग बरसे चुनरी वाले अभी राजा खान कर रहे हैं तैयारी हुक्का पीने की। अरे तो रुको, अरे अरे इधर लगाओ क्या? अरे यार छपरी बन रहे हो। इधर देखो माशाल्लाह, इधर देखो इसके साथ में। हाँ जिस समय साथ में। अरे वैसे मुंबई डाल दे रहा कैंडल सीधा। कितना फोटो बनाऊं? कितना फोटो बनाऊं? यह क्या हुआ? कौन इंसान? ये लाला खान है अंग्रेजों की जान। गाइस मैं कैसा दिख रहा देखो और बताओ ये कपड़े में कैसा दिख रहा? नेक्स्ट टाइम ऐसे ही पहनता ये लाया लाला खान आपका बता धुआ ऐसा ऐसा करो और कुछ पोस्ट चेंज पूरा आस्था करो। अभी हेलो गाइस छपरी बन चुके हैं। तो अभी हम लोग आए कौन सा गार्डन निकला है इसमें से और कैसे ये कोई गार्डन वार्डन नहीं है, खाली नॉर्मल ही है। देखो कुछ भी नहीं है ऐसा। गार्डन में आके वेस्ट हो गया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन एक काम अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पे फोटो खींचा लिया खाली, वही बाकी पूरा टाइम वेस्ट हो गया गार्डन में आके। चलते और भैया ने हमारे फोटो खींच के दिए, कभी भी आएंगे तो भैया के पास आके फोटो खींचा लेना। मस्त एक नंबर शक्ल बना के इधर सीधा पूरा सामान देखो इधर ही से, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं नीचे जाकर आगे। और ये हमारे बड़े भैया जो कि यहाँ पे पानी पीते हुए जो सुकून से देखो पानी पीने के लिए आए खाली। ये 24 रुपए दे के अतिक भाई पानी फुल पिए नहीं पिए? पाकुर पानी बोलते, कड़ू पानी बोलते, कड़ू पानी है। और ये देखो यहाँ पे पी रहे थे हमारे अबू भैया पूरे पानी पी रहे। ये गार्डन में आके पूरा वेस्ट हो गया खाली 24 रुपए लगा के, कोई मतलब की चीज नहीं हुआ, ना कुछ दिख रहा ना कुछ हो रहा। डायरेक्ट चलो दूसरे लोकेशन पे जाएंगे आज। और हम लोग निकले अभी वहाँ से गार्डन से, गार्डन से क्योंकि ये पहला जो समुंदर बोलते हैं उसको टैंक बॉन्ड नहीं बोलते भाई, टैंक बॉन्ड हैदराबाद में। और समुंदर नहीं होता भाई, दाल ये नदी है, दाल लेक है भाई। अरे रुको, नदी बोलते चलते रहता, रुक के बोलते लेक बोलते। अच्छा लेक बोलते क्या? ये लेक है और इसके अंदर देखो अतिक भाई के पूरे दोस्त है अंदर। लेक नहीं, पैर नहीं, लेक। और गाइस वहाँ से निकल के हम लोग आ गए देखो खाना खाने। अभी पहले खाना खाएंगे और खाने के लिए देखो यहाँ पर इस तरीके से कुछ इंतजाम किया गया। यहाँ पर देखिए यहाँ से ऑर्डर करेंगे, जबरदस्त है ठीक है। और तो सर आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखो भाई ने मेरा ही नाम रखा है, देखो अच्छे से देखो राजा ढाबा। अपन भी राज करते हैं सबके दिलों में और भाई लोग भी राज करेंगे आज। और खाना बिल्कुल मजबूत आएगा, अपने नाम से बोले तो खाना मजबूती चलाएंगे। तो सर देखो जानवर खाना खाएंगे का सर, यहाँ पर देखो सब खाना खाते हुए। यहाँ पे देखो खाना हमने ऑर्डर कर दिया यार, दाल तड़का आ गया अभी यहाँ पे ढाबे से, खाना खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे गाइस। और फाइनली हम लोग खाना खा के निकल गए गाइस, फिर से देखो सवारी और इस तरफ जाते हुए ये नदी। तो चलो चलते हैं आगे। और गाइस फाइनली हम लोग आ गए दरगाह पे, दूसरी दरगाह है कश्मीर का ये। और ये दरगाह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से देखो, बहुत ही खूबसूरत दरगाह है यहाँ पर देखो आप अच्छे से। और अभी अंदर भी आने वाले हैं तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पे भी नो कैमरा अलाउ नहीं है तो हम लोग थोड़ा इधर उधर आपको एरिया बताएंगे। देखो सभी एरिया देखो और यहाँ पे कुछ आइटम मिल रहे हैं, देखेंगे थोड़ा यहाँ पर कुछ।
दरगाह देखो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। और अब जाने की बारी आ गई रूम पे जाएंगे और यहाँ से जाने को 2-3 घंटे लगेगा, तो जाकर आपको डायरेक्ट मिलता हूँ वहाँ पर, क्योंकि यही लोकेशन बार बार बता के कोई मतलब नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट जाकर रूम पे मिलता हूँ। गैस और गैस पूरा आज हम लोग ने घूम लिए, आज हमारा जल्दी हो गया, तो पूरा हम लोग ने घूम लिया, आज हमारा जल्दी हो गया। फिर से हम लोग जा रहे हैं रूम पे जाएंगे, देखेंगे अभी कौन सा बोर्ड है, क्या है, किधर है, बोर्ड पता नहीं चल रहा कौन सा। अच्छा ये बोर्ड ये वाला है और हम लोग जा रहे हैं गैस, और हम लोग फाइनली हम लोग करके आगे फिर से वापस देख ले सकते हैं, आप लोग ये जगह को देख ले होंगे, चलते हैं और मिलते हैं। फाइनली हम लोग आ गए गैस, देखो ये हमारा रूम है और रूम आपको थोड़ा सा बताया था। आज देखेंगे ये है डाइनिंग टेबल, इसमें देख लो ये तुम्हारा आज हम परमानेंटली 6 दिन का ये डाइनिंग टेबल, और ये देखो ये हमारा पहला रूम जबरदस्त, और ये हमारा दूसरा रूम, ठीक है, ये रहा वॉशरूम बहुत क्लीनिंग, और ये ऐसा बिल्कुल देखो पूरा खाला पूरा एकदम जबरदस्त है। तो गाइस ये ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, ये ब्लॉग में ज्यादा से ज्यादा प्यार बताओ, लाइक कमेंट शेयर करो, ताकि मैं कल के ब्लॉग में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मैं इससे अच्छी और ब्लॉग बनाऊँ। कल की वीडियो बहुत हाथ होने वाली दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को कंटिन्यू देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा कश्मीर देखकर, ठीक है, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।